व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन, आप लोगों की तैयारी और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मैं अभिनंदन कुमार आजाद आप लोगों का गेट मैथ के इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग मैथमेटिक्स का वीडियो नहीं देखेंगे, हम लोग आज लेथ मशीन के बारे में जानेंगे। लेथ मशीन जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए गेट वगैरह में ESC में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने देखा है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में सबका कॉमन टॉपिक भी रहता है इंजीनियरिंग कॉलेजों में। वर्कशॉप में आप लोग इस पर काम करते हैं, वाइवा भी क्वेश्चन आता है, तो ये हर बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आजकल इंजीनियरिंग के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें आपने देखा होगा, खासकर रेलवे वगैरह के एग्जाम जिसमें कॉमन टॉपिक हो गया है, इसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को मिला के एग्जाम होता है। तो जो बच्चे दोनों का फॉर्म भर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वाले फॉर्म ही भर रहे हैं, मैकेनिकल वाले बच्चे ही फॉर्म भर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस कॉमन होंगे वही सब क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर जो कॉमन टॉपिक होता है जो आप लोग पढ़ते हैं वही सब क्वेश्चन आते हैं, ये टॉपिक सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं हूँ अभिनंदन कुमार आजाद और मैंने बीटेक कर रखा है BIT मिश्रा से, मैंने एमटेक कर रखा है यूनिवर्सिटी भोपाल से थर्मल इंजीनियरिंग में, और मैंने गेट क्वालिफाइड हूँ। गेट क्वालिफाइड मेरा बेस्ट AIR 159 था। और ये है मेरा YouTube चैनल जिसमें मेरे सारे वीडियो जितने भी हैं वो यहाँ पे पब्लिश्ड हैं। मैं यहाँ पे सौभाग्य मुझे मिला है आप लोगों को इस चैनल पे भी अपना वीडियो प्रोवाइड करूँ, जिससे आप लोगों को इस चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको इससे फ़ायदा हो। मैं कोशिश करूँगा कि जितना मैं बेस्ट दे सकता हूँ वो दूँ, पर मेरे बहुत सारे और भी वीडियोज हैं जो मेरे चैनल पर पब्लिश्ड हैं, यदि आप उसको विजिट करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं A.S.K.Azad मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसको आप सर्च करके वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे मिल जाएगा। उसमें मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस कर रखा है, इस वीडियो के बारे में मैंने डिस्कस कर रखा है लेथ मशीन के एक एक कंपोनेंट को, जो भी कंपोनेंट है उसके बारे में मैंने उस वीडियो में पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। इस कोर्स के 6 वीडियोज ऑलरेडी मेरे चैनल पर पब्लिश्ड हैं, तो वो सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो वहाँ पे फिर से उसी चीज़ को बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो उसको आप वहाँ जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट होगा, लेथ मशीन का प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। तो हम लोग पहले रिविजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या उसमें पढ़ रखा है। ये मैंने पूरा का पूरा मैंने उसमें बता रखा है, मैंने उसका ब्लॉक डायग्राम बताया था, ये सब चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। लेथ के बारे में, लेथ मशीन क्या है, हेड स्ट्रोक उसके पार्ट्स वगैरह, वेज क्या है, टेल स्ट्रोक क्या है, ये सब सर बेड कैरेज लेड स्क्रू लेड रॉड ये सब मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। ये सब क्या होता है, इसे क्या इंपॉर्टेंस है, किस प्रकार से वर्क करता है, ये इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड में कौन कौन से स्पीड में हम वो रोटेट कर सकता है, ये सब चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है अपने चैनल पर, जो वीडियोज बने हुए हैं इससे पहले वाले उसमें। यदि आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो एक बार सबसे पहले उसको जाके देख लें, उसके बाद इसमें हम लोग उसके आगे का डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं, मैंने क्वेश्चंस भी दिखाया था, ये क्वेश्चंस ये सीम आया हुआ है, तो उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उसको भी दिखाया है, और उसके आंसर भी मैं लास्ट में आपको दे देता हूँ, तो वो भी मेरे वीडियो में पब्लिश्ड है मेरे चैनल पर, ठीक है। ये मैंने दिखाया था कि कैसे कैसे आप थ्रेड जो कटिंग करना है आपको, तो लेड स्क्रू आपको कैसे मदद करता है थ्रेड कटिंग में, वो हम लोग उसमें देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थ्रेडिंग, ठीक है, इसको भी हम लोग देख चुके हैं, क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग भी इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए यदि आप लोग पढ़ चुके हैं तो, और उसके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए इसका आंसर्स। फेसिंग ऑपरेशन देख चुके थे, टेम्परिंग ऑपरेशन देख चुके हैं, पार्टिंग स्लॉटिंग ग्रूविंग ऑपरेशन हम लोग देख चुके हैं डिटेल में, ठीक है। यहाँ पर वीडियो था तो वीडियो भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर पब्लिश्ड है, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्निकल वीडियो नामक प्लेलिस्ट में वो सारे के सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये सब जितने भी प्रोसेस है ना, जब तक आप इसको वीडियो नहीं देखेंगे किस तरह से काम कर रहा है, एनिमेशन के थ्रू नहीं देखेंगे, तब तक यहाँ लिख के उस चीज़ों को समझाया नहीं जा सकता है। ड्रिलिंग बोरिंग मैंने ये भी बताया था कि ड्रिलिंग ऑपरेशन क्या होता है, बोरिंग का ऑपरेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। यहाँ तो दोनों को साथ साथ दिया गया पर उसका डिफरेंस क्या है। लर्निंग ऑपरेशन क्या है, इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि जितने भी आपको फ्रिक्शन से बचने के लिए, ठीक है, जितने भी फ्रिक्शन भाई फ्रिक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, फ्रिक्शन से बचने के लिए, फ्रिक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि आपको स्लिपिंग को रोकने के लिए, सीधी सी बात है, जैसे कि आपका आप ढक्कन देखते हो बॉटल पानी बॉटल देखते हो, तो उस पर जो आपको ढक्कन रखते हो उस पर ये लर्निंग ऑपरेशन ही किया रहता है, ठीक है। या फिर आपको आप स्लीपर देखिए, स्लीपर के पीछे भी स्लिपिंग ना हो इसके लिए आपको फ्रिक्शन बढ़े, इसके लिए भी आपके जो स्लीपर्स हैं उसके पीछे भी लर्निंग ऑपरेशन ही रहता है। तो लोगों को लगता था कि लर्निंग ऑपरेशन सिर्फ हम लेथ मशीन के थ्रू ही कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि आप टायर्स देखो, जो गाड़ी के बड़े बड़े टायर्स होते हैं उसके पीछे भी जो ऑपरेशन रहते हैं वो लर्निंग ऑपरेशन ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये आपका वीडियो जो आपको वहाँ पर अपलोड मिलेगा आपको।
स्पिनिंग ऑपरेशन देख चुके हैं हम लोग, इसरो का क्वेश्चंस इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रीमिंग ऑपरेशन, टैपिंग ऑपरेशन, वर्क होल्डिंग डिवाइसेस फॉर लेथ, इसको हम लोगों को इस चैप्टर में डिस्कस करना है, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। बिना समय गवाए हम लोग इसको देखते हैं, वर्क होल्डिंग डिवाइसेस फॉर लेथ। लेथ में वर्क होल्ड करने के लिए कौन कौन से डिवाइसेस लगी होती है, क्योंकि वर्क पीस को जब तक होल्ड नहीं करोगे तब तक उस पर आप कैसे मशीनिंग करोगे, कोई ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हेल्ड बिटवीन सेंटर्स, ठीक है, वर्क पीस को हमको हमको क्या करना होता है, सेंटर्स के बीच लगाने होते हैं। ऑपरेशन कौन सा, अब जो वहाँ पर डिवाइसेस होता है जो होल्ड करने के काम आता है, तो थ्री जॉ सेल्फ सेंटरिंग चक, एक तो हो गया ये थ्री जॉ सेल्फ सेंटरिंग चक, ये आपकी इसके मदद से आप वर्क को होल्ड कर सकते हैं, वर्क पीस को। डिस्क टाइप जॉब बीइंग हेल्ड इन चक्स, इसको हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग फोटो के थ्रू देखेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है जिसके थ्रू आप होल्ड कर सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं लगा रहता, या तो थ्री जॉ चक लगा रहेगा या फिर आपको फोर जॉ इंडिपेंडेंटली एडजस्टेड चक होता है। दो प्रकार के चक होते हैं, थ्री जॉ सेल्फ सेंटरिंग चक होता है जिसमें आपको बस एक ही को आपको रोटेट करना है, जैसे डायमीटर इतना है तो आप एक तीन चक है, चक में थ्री जॉ है, ठीक है, एक को आप अंदर की ओर पुश करोगे, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रू से आपको पुश करना होता है, ठीक है। तो ये के अंदर आएगा तो सब ऑटोमेटिकली उतना होता ही अंदर आ जाएगा, और इस सेल्फ सेंटरिंग आता है, ठीक है। जबकि फोर जॉ चक में क्या होता है कि आपको फोर जॉ होते हैं, जॉब है, ठीक है, तो आपको सबको मैनुअली कर करके आपको इसको साइज को घटाना या बढ़ाना होता है, तो उसमें आप डिसेंट्रलाइज भी ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। तो उसमें आपको मेजर भी करना पड़ता है कि सेंट्रलाइज है कि नहीं, अगर सेंट्रलाइज ऑपरेशन करना है, क्योंकि ऑपरेशन आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका थ्री जॉ चक भी हो सकता है, जो सेल्फ सेंटरिंग चक होता है ये ध्यान रखिए, जबकि फोर जो चक होता है वो आपका इंडिपेंडेंटली एडजस्टेबल चक होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हेल्ड इन ए कॉलेट, कॉलेट में भी आप होल्ड कर सकते हो, ये सारी चीज़ों को हम लोग पिक्चर के थ्रू देखेंगे अगले स्लाइड में, ठीक है। सिलेंडर रॉड लाइक जॉब बिंग हेल्ड इन कॉलेट्स, कॉलेट्स में हम जॉब को होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद है माउंटेड ऑन अ फेस प्लेट, फेस प्लेट की मदद से भी हम जॉब को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ओड शेप जॉब्स बीइंग हेल्ड इन फेस प्लेट, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जैसे कि आप जितने भी देखे होंगे, आपने वर्कशॉप में जो ऑपरेशंस किए होंगे सारे के सारे सिलेंड्रिकल जॉब थे, पर कोई इरेगुलर शेप का कोई जॉब आ गया आपके पास, ठीक है, तो उसको होल्ड करने के लिए हम लोग जो फेस प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है माउंटेड ऑन द कैरेज, ठीक है, ये कैरेज पे माउंटेड होता है, ठीक है। उसके बाद है मैनुअल की मदद से भी हम होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक चक भी होता है, मैग्नेटिक चक तो बहुत आसान हो गया, कोई भी आयरन के ऑब्जेक्ट है, जॉब है, उसको आपको होल्ड करना, तो मैग्नेटिक चक लगा दीजिए, सो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रोवाइड करते हैं, स्विच देते हैं, तो वो आपको चिपका लेता है, और जैसे ही आप उसमें से करंट देना बंद कर देते हैं तो क्या हो जाता है, उसके मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाता है और जॉब आपका बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार से हम जॉब को होल्ड करने के तरीके हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेथ चक के बारे में देखते हैं, लेथ चक्स क्या होते हैं। लेथ चक्स आर यूज्ड टू सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ वर्क पीस शेप्स एंड टू परमिट मोर ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड दैट कैन बी एकॉम्प्लिश्ड व्हेन द वर्क इज हेल्ड बिटवीन सेंटर्स। थ्री जॉ सेल्फ सेंटरिंग चक्स आर यूज्ड फॉर वर्क दैट हैज अ राउंड और हेक्सागोनल क्रॉस सेक्शंस। तो कौन सा चक कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ईच जॉ इन फोर जॉ इंडिपेंडेंट चक्स कैन बी मूव, इसमें सारे को आप मूव करा सकते हैं, एक एक को मैंने पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पे, बस उसका डिफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, कि एक एक चक को जो एक एक जॉ है उसको आप मैनुअली मूव करा सकते हैं। इनवर्ड एंड आउटपुट इंडिपेंडेंट टू द अदर्स बाय मीन्स ऑफ अ चक वेंच, दस दे कैन बी यूज टू सपोर्ट अ वाइड वेराइटी ऑफ वर्क शेप्स, ठीक है। तो फोर जो देखो सेल्फ सेंटरिंग है, तो उसमें आप सिलेंड्रिकल जॉब्स को ही रख सकते हो, वो सेंट्रलाइज कर देता है चारों तरफ से, भाई एक को आप मूव कराओगे तो बाकी ऑटोमेटिकली मूव करेगा, और अपने आप एक सेंटर की तरफ, भाई एक को आप एक सेंटर मूव कराओगे तो बाकी सभी एक एक सेंटर में मूव कर जाएगा और सब एक सेंट्रलाइज रहेगा, ठीक है। पर फोर जॉ चक में आप एक को एक सेंटीमीटर, दूसरे को दो सेंटीमीटर, तीसरे को तीन सेंटीमीटर, इस तरह से आप मूव करा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट है, कॉम्बिनेशन फॉर फोर जॉ चक आर अवेलेबल इन विच ईच जॉ कैन बी मूव्ड इंडिपेंडेंटली और कैन बी मूव्ड साइमल्टेनियसली बाय मींस ऑफ अ स्पाइरल कैम। तो उसमें स्पाइरल कैम होता है जो आपने देखा होगा, क्योंकि वो आप तो वर्कशॉप में जाके देख सकते हो, अभी देखा भी होगा कि हर बच्चा वर्कशॉप करता ही है,
ठीक है, ये कंपलसरी रहता है, शुरू में तो करते हैं। देखो यहाँ पे फिगर से आप देख सकते हैं, ये आपका 3 जो चक है और ये आपका 4 जो चक है। आपके वर्कशॉप लैब में दोनों के दोनों होंगे, ठीक है। 3 जो चक ईजी होता है, 4 जो चक को सेंट्रलाइज करने के लिए आपको देखना पड़ता है कि सेंट्रलाइज हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। इसके अलावा भी देखो बहुत सारे हैं, प्लेन सॉइल मैनरल, मैनरल के थ्रू भी आपको जॉब होल्ड करने में सहायता होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था आरआरबी में, आरआरबी जे एग्जाम में, ठीक है, जूनियर के एग्जाम में आरआरबी में क्वेश्चन आया था कि मैनरल का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, ठीक है। उसमें ऑप्शंस था, तो मैनरल देख ही रहे हो कि जॉब होल्डिंग डिवाइस के रूप में भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कास्टिंग में मैनरल का इस्तेमाल होता है होल बनाने में, ठीक है। इस मैनरल को डाल देते हैं, ऊपर से हम कास्टिंग कर देते हैं, फिर इसको निकाल लेते हैं बाहर, तो एक होल क्रिएट होता है। तो दोनों जगह इस्तेमाल में आता है। एक बच्चे ने गलती किया था, ठीक है, उसने कास्टिंग वाला टिक कर रखा था, पर ये मशीनिंग में जॉब होल्डिंग डिवाइस में मेन जॉब होल्डिंग डिवाइस है ये, ठीक है। मैनरल, कोई मैनरल कहाँ पर इस्तेमाल होता है, कैसे हम वर्क होल्ड करते हैं, इसको देख लेते हैं। मैनरल देख रहे हो टेपर टाइप का होता है, ठीक है। और देखो इसमें एक जॉब है, इसको दिखाया गया है कि ऐसे, पर ऐसा थोड़ा ना होता, वो 3D में होता है, ठीक है। यहाँ पे दिखाया नहीं, वो वीडियो में दिखेगा, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे A.S.K.Azad मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे, जाइए वहाँ पे आपका एक प्लेलिस्ट होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्निकल वीडियोज नाम का, उसमें आपको सारे जितने भी ऑपरेशन है मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के भी जितने भी वीडियो है, जैसे EDM वगैरह है, लेजर वेल्डिंग है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग है, ये सब के वीडियो आपको जनरली नहीं मिलते हैं, तो वो सब के सब मैंने कलेक्ट कर रखे हैं वहाँ पे, एक जगह पे आपको सारे सारे वीडियो मिल जाएंगे। आपको गूगल करने की जरूरत हर बार नहीं पड़ेगी, एक बार प्लेलिस्ट खोलिए, सारे के सारे आपको एक जगह मिल जाएंगे, तो वहाँ जाके आप लोग जरूर चेक कीजिए, ठीक है। तो ये मैनरल है। उसके बाद ये गैंग मैनरल है, गैंग मैनरल मतलब एक से ज़्यादा मैनरल यूज हुआ तो उसको गैंग मैनरल कहते हैं, ठीक है। ये कोन मैनरल है, तो ढेर सारे मैनरल होते हैं, ढेर तरह के मैनरल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट और भी है, जैसे कि आपका क्या है, कॉलेट्स है। मैनुअल तो आप लोग समझ ही गए कैसे हम यूज करते हैं। मैनुअल में क्या होता है, ये टेपर होता है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जिसके बीच में होल है, तो इसको आप इस पर फिट कर सकते हैं, इसको अंदर तक आप इसको डाल दीजिए, ये अपने आप फिट हो जाएगा बहुत ही स्ट्रांगली, ठीक है। मैनुअल बहुत स्ट्रांगली फिट हो जाता है और फिर हम उस पर ऑपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपका कॉलेट्स है, कॉलेट्स देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसको जैसे जैसे, ये तो आप देख सकते हो, इसको आप फील भी कर सकते हो, या कि आपने कहीं देखा होगा तो इसको फील कर सकते हो। ये सब पार्ट है जो स्प्रिंग के थ्रू एक दूसरे से अलग है, जैसे जैसे इसको हम कसते जाते हैं ना, तो इस पर चढ़ता जाता है और ये दबता जाता है, ये जो आपका रेडियस ये कमता जाता है, ये ऐसे 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 है, ठीक है। ऊपर से हमने दबा दिया, ये जैसे ही स्क्रू करते जाएंगे तो यहाँ पे दबता जाएगा और ये यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो दब के इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको देख रहे हैं आपकी मैग्नेटिक चक भी आपको दिखाया गया, ठीक है। मैग्नेटिक चक ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, तो भाई जैसे ही स्विच देते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड दिखाने लगता है और जो भी मैग्नेटिक मटेरियल उससे चिपक जाते हैं। तो इसकी डिसएडवांटेज है कि अगर मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है आपका वर्क पीस तो ये इसमें होल्ड नहीं होगा, ठीक है। फेस प्लेट को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपका फेस प्लेट है जिसमें थ्रू देखो ये हमने स्क्रू करके क्या कर दिया, बीच में इसको अटैच कर दिया है, बीच में उसको हमने दबा रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से है, इसको आप गूगल करके सर्च भी कर सकते हैं या फिर मेरे चैनल पर जाके आप उसको देख भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ऑपरेशन देखते हैं, टर्निंग ऑपरेशन। टर्निंग ऑपरेशन देख रहे हैं आप, टर्निंग ऑपरेशन हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले डायमीटर D1 था, अब हम लोगों ने उसका डायमीटर घटाकर कितना कर दिया है, D2 कर दिया है, ठीक है। उसका डायमीटर रिड्यूस करने में काम आता है, गलती से ये मत कर देना कि डायमीटर बढ़ाने के काम आता है, बढ़ नहीं सकता है, मटेरियल किसी में ऐड नहीं कर सकते, मटेरियल काट जरूर सकते हैं, मेटल कटिंग प्रोसेस है ये, ठीक है। लेथ मशीन पर सिर्फ मेटल का कटिंग होगा, ज्वाइनिंग नहीं होगा, वेल्डिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो डायमीटर कम गया, मैंने ये भी बताया था कि यदि आप डेप्थ ऑफ कट टी का देखो तो आपका डायमीटर कितना से कमेगा, 2T से कमेगा, क्योंकि टी इधर भी कटेगा और टी पीछे से भी कटेगा, डायमीटर कितना से कम जाएगा, 2T से कम जाएगा, सिर्फ टी का डेप्थ ऑफ कट दोगे तो आप, ठीक है। ये मैं सब चीज़ें मैंने बता रखा था, जो पिछले के वीडियो थे उसी में मैंने डिस्टर्ब में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो देख लो कि वर्क क्या है, वर्क पीस है और ये वर्क सरफेस है जिसको हमको काटना है, ठीक है। ट्रांजिशन सरफेस है, ये कट रहा है, ठीक है। ये मशीन सरफेस है जो स्मूथ सरफेस है जो कट गया। डायरेक्शन ऑफ प्राइमरी मोशन, ये इस प्रकार से रोटेट हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है और टूल को हम इस दौरान इस डायरेक्शन में आगे बढ़ा रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ फीड मोशन, ठीक है, आगे की ओर हम दे रहे हैं, ठीक है, ये वेलोसिटी ये हम आगे की ओर बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। इधर क्या देते हैं, डेप्थ का, इधर क्या देते हैं, फीड, ये क्या है, ये आपका फीड, इस डायरेक्शन में आप जो बढ़ा रहे हैं फीड कराता है, यहाँ पर क्या कराता है, डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। कितना आपने एक बार डेप्थ ऑफ कट दे दिया, उसके बाद सबको फीड दे देते हैं, हम सबको काट देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने टर्निंग को समझ लिया होगा, कुछ नहीं समझा है तो वो पहले ही मैं टर्निंग को समझा चुका हूँ, टर्निंग वाले फॉर्मूला भी आप देख लीजिए। डेप्थ ऑफ कट दे रहे हैं आप, तो डी डेप्थ ऑफ कट दे रहे हैं, तो डायमीटर कितना से कमता है, ठीक है,
डबल से कम जाता है। तो देखो डेप्थ ऑफ कट आपको डायमीटर मान लेते हैं कि आपको कर देना है आपको डी टू, डी वन से घटाए कितना कर देना है डी टू, तो आप दोनों को घटाइए कितना डायमीटर आपको कम करना है और उसको आधा जरूर कीजिए, क्योंकि एक बार डेप्थ कट देता है तो करता डायमीटर कमता कितना है, टी डेप्थ कट देते हैं तो टू टी से कम जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये काम आता है। उसके बाद एवरेज डायमीटर ऑफ वर्क पीस, एक और चीज़ डेप्थ ऑफ कट ऐसा नहीं कि पूरा बहुत ज़्यादा हमको डायमीटर कम करना है तो एक ही बार में पूरा डेप्थ ऑफ कट दे देते हैं, फिर कटेगा नहीं, फिर मशीन आपका टूल है वो टूट जाएगा, ठीक है, टूल का जो टिप होता है वो टूट जाएगा और डैमेज हो जाएगा। तो हम लोग धीरे धीरे कट ऑफ देते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हमको 5 mm जो 10 mm है 10 mm से सीधे घटा के 5 mm कर देना है, ठीक है, तो एक ही बार में हम कट नहीं दे देंगे, या फिर 100 mm का हमको डायमीटर और सीधे घटा के हमको 50 mm करना है तो ऐसा नहीं कि एक ही बार में हम डेप्थ कट दे देंगे, नहीं, स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं हम, ठीक है, ताकि स्मूथिंग रहे, ठीक है, टूल को दिक्कत ना आए। ये आप सब आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा वर्कशॉप में। एवरेज डायमीटर ऑफ वर्क पीस, ठीक है, जो आप वर्क पीस कर रहे हैं उसका एवरेज डायमीटर क्या होता है, एवरेज तो निकालने का तरीका जानते हो, D1+D2/2 कर दीजिए तो वो आपका एवरेज डायमीटर ऑफ वर्क पीस निकल के आ जाएगा। कटिंग टाइम, कटिंग टाइम कैसे निकलता है, ठीक है, तो L+A+O/Fn, Fn F है आपका फीड, N है रोटेशन, RPM, ठीक है, क्या है N, RPM, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो कटिंग टाइम। तो हम न्यूमेरिकल में देखेंगे कैसे हम फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। आगे फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, मेटल रिमूवल रेट MRR, मेटल रिमूवल रेट में क्या करना है हमको, कितना हमारा हमने क्या किया उसका डायमीटर कम किया, तो हमारा कैसे फॉर्मूला होगा, पाई D1²-πD2²/4/Fn, ठीक है, या फिर कर सकते हो कि पाई डी एवरेज सीधे आप इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है, डी एवरेज इंटू डी इंटू एफ एन, इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल आप करके मेटल रिमूवल रेट निकाल सकते हो। कटिंग स्पीड एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको बार बार आपको याद रखना है, वी इक्वल टू क्या होता है, पाई डी वन इंटू एन बाई 1000, ये आएगा मीटर पर मिनट में, ठीक है, यहाँ पे 1000 क्यों आया भाई, 1000 आया आपका क्योंकि डायमीटर दिया रहता है किसमें, mm में, अगर डायमीटर mm में दिया रहे तब जाके आपको 1000 डिवाइड करना है, अगर मीटर में दिया रहा तो पाई डी एन सीधे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसके फॉर्मूले कर सकते हैं, ये आपके एग्जांपल क्वेश्चंस हैं, इसको कीजिए, आंसर मुझे बताइए, आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, आप लोग आपस में डिस्कस कीजिए किसका क्या आंसर आता है, वो हम लोग देखेंगे, उसके बाद में अगले वीडियो में इसके आंसर्स बताऊंगा आप लोगों को। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, IAS में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व कीजिए और सोल्व करके आंसर मुझे बताइए। ये भी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसको आप सोल्व कीजिए, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को रोक रोक के आप सोल्व कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप पहले सोल्व कीजिए, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में एक एक क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूलों का अप्लीकेशन भी सीखेंगे अगले वीडियो जब हम लोग इस सब क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, तो मैं उसको एक एक क्वेश्चन को कराऊंगा, तो उसमें हम लोग देखेंगे एक एक क्वेश्चन को, मैं एक एक बार आप लोगों को फिर से सामने दिखा देता हूँ ताकि आप उसको पॉज करके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन, आप आंसर मुझे बताइए, फिर पता लगेगा कि ऑटोमेटिक बच्चे बढ़िया कर रहे हैं, पढ़ते हैं और उसको अटेम्प्ट करते हैं, सिर्फ वीडियो को सिर्फ देख लेने से नहीं होता है, प्रॉपर कोर्स लेना पड़ता है आपको। मेरे सबसे चैनल का सबसे अच्छी खासियत है कि जो भी मैं टॉपिक को शुरू करता हूँ तो शुरू से अंत तक करता हूँ। यूट्यूब पर आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी, यूट्यूब पर मिलेगा कि कोई भी एक टॉपिक कुछ बना दिया, जो आता था उसको बता दिया, पर मेरे चैनल पर आपको A.S.K.Azad मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो चैनल है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जो भी टॉपिक आप शुरू करेंगे, जैसे कि वहाँ पे क्या क्या बना हुआ है, वहाँ पे बना हुआ आई सी इंजन का कंप्लीट कोर्स बना हुआ है, ठीक है, RAC का कंप्लीट कोर्स बना हुआ है, चाहे गेट दें आप, AC दें या कोई PSU एग्जाम दो, कहीं भी उससे बाहर के क्वेश्चंस नहीं आने वाले, कंटेंट सारे हैं। हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपको है, उसके लिए मैंने बुक रेफरेंस बुक वगैरह बता रखा है उसमें, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। टॉम जो कि काफ़ी मुश्किल कहते हैं आप लोग, टॉम का भी मैंने बना रखा है पूरा, ठीक है, उसमें भी बनाना कुछ बाकी है तो वो धीरे धीरे ऐड करता जा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा ESC का जो 10 जनरल टॉपिक है, जनरल स्टडीज के जो प्रीलिम्स के एग्जाम होता है उसमें पेपर 1 पेपर 2 होता है, तो उसमें पेपर जनरल स्टडी का जो पेपर है, जनरल स्टडी एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का, उसमें 10 और टॉपिक पे आपको मेरे वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा, उसको आप याद कर लीजिएगा, उसको देख लें, उस पर सारे बने हुए हैं, ठीक है, एनवायरमेंट से बेसिक मटेरियल साइंस डिजाइन ड्राइंग सब के सब वीडियो कंप्लीट बना हुआ है, ठीक है। तो उस चैनल पर एक बार जरूर विजिट करें, आप लोगों से आग्रह है एक बार जरूर उसको देखें, सिर्फ ऐसे ही नहीं उसको प्रॉपर अगर पढ़ना है तो भैया आप घर बैठे अपने छोटे भाई बहनों कहीं जो कॉलेज में अभी से उस चीज़ को देखें, क्योंकि कॉलेज में उस तरह का टीचर नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, वो खुद ही कंफ्यूज रहते हैं क्या सही क्या गलत है, या बुक वगैरह देख के वो काम चलता रहता है उनका, ठीक है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा।
अगर आपको ईएससी या गेट को टारगेट करना, जो कि करना ही पड़ेगा, आपको भी गवर्नमेंट एग्जाम इतनी आसानी से नहीं मिलता है, तो वो टारगेट आपको करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जरूरी है आप बचपन से शुरू से ही उस ढंग से पढ़ें, ठीक है, उस ढंग से पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप ट्वेल्थ जब फोर्थ ईयर हो जाएगा आपका, उसके बाद आपको याद आया कि नहीं अब मुझे करना है गेट की तैयारी, तो वो नहीं हो पाएगा, उसमें समय लगेगा आपको, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे पहले से ही इतना बैकलॉग में बैठे हुए हैं बच्चे, उन लोगों का जॉब लगेगा तब तो, क्योंकि वहाँ तो कंपटीशन सबसे होने वाला है ना, तो चार साल का समय आप पढ़ ही रहे हो, तो ढंग से पढ़ो ना, उस चीज़ों को समय तो दे ही रहे हो, तो उससे बढ़िया है कि उस चीज़ों को हम क्लियर कट नॉलेज रखें उसके बारे में, ताकि हम जैसे ही फोर्थ ईयर से निकले तो हम कंपटीटिव एग्जाम को देने के लिए तैयार रहें, ठीक है। तो वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। जानते हैं कोचिंग वगैरह हर कॉलेज के आसपास होता नहीं है, कॉलेज जनरली आपका बहुत ही ऑर्डर साइज में होता है, तो अपने छोटे भाई बहन जो भी आपके कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं उन लोगों को ये जरूर बताएं। चलिए इस मेरी वीडियो को यहीं रोकता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, मुझे समय दिया गया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, गेट मैथ्स का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को साथ मुझे शेयर करने के लिए, मेरा नॉलेज शेयर करने का उन्होंने मौका दिया। चैनल पे आपको रीजनिंग एप्टीट्यूड का भी मिल जाएगा जो गेट में आता है, स्पेशली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों के लिए ही मैंने जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं धीरे धीरे मैं सबको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबके वीडियो आपको मेरे एक ही चैनल पर मिल जाएगा, 600-700 से ऊपर वीडियोज मिल जाएंगे, एक घंटा का पूरा बड़ा बड़ा लेक्चर भी है जिसको आप पॉज करके भी देख सकते हो कि भाई देखा एक घंटा फिर रुका, फिर दो दो तीन तीन घंटे के भी वीडियोज हैं, ठीक है। और एकदम कोर्स शुरू हुआ तो वो खत्म हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मेरे इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं उसकी मैं लिंक भी दे दूँ, ठीक है। मेरे चैनल का भी लिंक रहेगा, मेरे वीडियो जो भी हैं उसकी भी लिंक रहेगी, क्या क्या वीडियोज बने हुए हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ, इस लेक्चर को यहीं पर रोकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। जो अगला वीडियो होगा वो मेरे चैनल पे होगा, तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। चलिए इस लेसन में मैं इतना ही रखता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का कि आप लोगों ने मुझे समय दिया।